एकदम प्योर कोकोनट बैम्बू शूट बनाने की तैयारी। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी फारिया। और आज मंडे है और मंडे काफ़ी सारा काम रहता है यूजुअली हर घर में, क्योंकि संडे रिलैक्सेशन का दिन होता है। सो आई एम बिगिनिंग माई डे एट 8 AM इन द मॉर्निंग। नाउ योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया और अभी अच्छे से मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। इधर मैं ले रही हूँ बनाना एंड ओट्स स्मूथी और ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज का। ब्रेकफास्ट करते करते इधर थोड़ा सा कोकोनट मिल्क मेरा उस दिन जो बनाया था लास्ट ब्लॉग में, अगर आपने देखा होगा तो वो थोड़ा बच गया था और खाने में थोड़ा पुराना जैसा कोकोनट स्मेल आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कोकोनट ऑयल ही बना दूं। सो अभी कोकोनट ऑयल बनने के प्रोसेस में है, उसको उबाल रही हूँ। लेट्स सी 10-15 मिनट में ये कोकोनट ऑयल बन जाना चाहिए। थोड़ा सा ही बनेगा बट अच्छा घर में वर्जिन कोकोनट ऑयल बन के निकलेगा। और पानी पूरा सूख के देखिए, अभी नीचे तेल निकलने लगा है और बहुत थोड़ा सा ही निकला है। बट इसको मैं सिर पे तो नहीं लगा पाऊँगी बट स्किन के लिए काम आ जाएगा। और आई एम लाइक ऑब्सेस्ड विद एनीथिंग होममेड, और मुझे घर में अगर हो सके तो चीज़ें रेडी करके खाना पीना या लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ हो रहा है बैम्बू शूट बनाने की तैयारी। थोड़ा सा अचार और थोड़ा सा हम लोग ऐसी सब्जी वगैरह खाएंगे और थोड़ा फर्मेंट करके रख देंगे। तो हस्बैंड यहाँ में काट रहा है बैम्बू, और ये थोड़ा प्रोसेस ना थोड़ा लंबा चौड़ा होता है तो हस्बैंड ही कर रहा है। मुझे तो इतना काम के बीच में टाइम नहीं मिलता है, उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया तो वो करके दे रहे हैं काम पर जाने से पहले। और अभी बनाने के बाद में आई शो यू। बाय द वे बैम्बू शूट कैसे फर्मेंट करता है इसका वीडियो मैंने लास्ट ईयर ही डाला था, और बैम्बू शूट का अचार का रेसिपी भी डाला था, डू चेक आउट। एकदम प्योर कोकोनट ऑयल विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, अभी इसको मैं लगाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ बैंक, और कौन सा बैंक ये भी बता ही देती हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाय द वे गाइस बाहर में गर्मी इतना फटाके दे रहा है तो मेकअप करने का तो सवाल ही नहीं उठा है। जस्ट थोड़ा बहुत आईब्रो डाउन किया है क्योंकि सिर्फ ये मार्क अभी भी इतना डार्क से है, इसीलिए जस्ट मैच करने के लिए। और थोड़ा बहुत लिपस्टिक एंड थोड़ा काजल, बस दैट्स इट। एंड स्टेट बैंक के बारे में बोलते हुए मैं स्टेट बैंक इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरा डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है जुलाई को, और अभी तक बैंक के तरफ से ना ही मुझे SMS आया है ना ही कॉल आया है कि आपका डेबिट कार्ड डिस्पैच हो गया है या ब्रांच में है। जब मैंने खुद से पता किया तब मुझे पता चला कि मेरा डेबिट कार्ड जो है ब्रांच में जून मंथ के लास्ट को ही आ गया था, और अभी तक ना मुझे ब्रांच की तरफ से ना कॉल आया ना SMS आया। ऐसे तो क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए हज़ारों कॉल्स आते रहते हैं। सो एनीवे स्टेट बैंक में मैंने अकाउंट, शायद मैं जब क्लास 10 में थी तभी मेरे पापा ने या मम्मी ने खोल के दिया था, तो एज ए नॉस्टैल्जिया मैंने उस अकाउंट को रख दिया है। बट आई एम सो नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज। हालांकि दूसरे बैंक के बारे में बात करो जैसे ICICI, HDFC, बहुत अच्छा सर्विसेज है गाइज। बट SBI का मैं क्लास 10 से लेके अभी तक वही मतलब गंदा सर्विस। ऑनलाइन का ऐप भी देके रखा है जो मतलब एकदम बेकार है। सो एकदम आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज। और अभी बैंक जाती हूँ, बैंक जाके देखती हूँ अभी क्या क्या करना पड़ेगा। पूरा दिन तो ऐसे स्टेट बैंक जाने से आधा टाइम तो कूपन लेके ही बैठा रहना पड़ता है। काफ़ी दिन से वैसे मैं बैंक गया नहीं हूँ, तो अभी जाके देखती हूँ वहाँ पे क्या हाल है। ओह इतना धूप है ऊपर, और यहाँ फूड का दुकान से जा रही थी तो सोचा आम वगैरह भी ले, तो वही आम ले रही हूँ। और अभी मैं 6 माइल मार्केट में आई क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी बनानाज, और वहाँ मुझे फूड की दुकान में मिला नहीं। यहाँ बनानाज भी लूँगी और साथ में कुछ वेजिटेबल शॉपिंग वगैरह भी करना है क्योंकि घर का डेली सामान डेली रिक्वायरमेंट रहती है। मुठा 40 बा इरा एक ना है 30 के तो खाला से पहला मिला खावले को तो है एरो है ना और ढेके कने के मुठी केटा दिन मुठी कने के पूरा 30 से ना लगे 10 টাকা हमारा 10 টাকা के हो 20 টাকা ধরিছো বাবা কালি মানে 10 টাকা 20 টাকা ধরা দুই মুঠি 20 টাকা আর লাউ তো 30 এটু কোন দিবা 12 কিলো লাউ মই দই মিলাই এটু পালেং আছে গুটারো 350 বলি কলে। फाइनली 1:30 बजे मैं पहुंची हूँ SBI और धूप अभी काफ़ी कम हो गया बट आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। इतना सा शॉपिंग कर दिए हालत ख़राब हो गया और अभी मैं जा रही हूँ बैंक के अंदर और ऑब्वियसली बैंक के अंदर ब्लॉगिंग तो करने देंगे नहीं और करना एथिकल भी नहीं है। सो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ माई कैमरा ही ओनली। इतना भूख लग रहा था सोचा कुछ शाम के लिए भी ले लूँ अभी के लिए भी कुछ खा लूँ। यार गरम दे आलू पराठा আছে না আলু পরাঠা তো আজি না জানো আজি দুটা দি দিও প্যাক 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 सारा काम हो गया और अभी एकदम क्लाइमेट चेंज पूरा हवा दे रहा है बाहर। सो अभी घर जा रही हूँ। सॉल मीट यू गाइस एट माय हाउस। सोचा इतना घूम फिर के आए तो थोड़ा नारियल खा लेते हैं। तो नारियल पानी पी लेते हैं और नारियल भी साथ में खा ही लेंगे। तो अभी नारियल ही काट रहे हैं। नारियल पानी पीते पीते मुझे दिख गया फूल और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मुझे अगल बगल में फूल दिखाई दे और मैं ना खरीदूं। चलिए तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या खरीदा है। तो मैंने ये लिया है पिंक सिंगोनियम। मेरा पहले भी था बट मर गया पता नहीं क्यों। मेरा वैसे इस सीज़न में काफ़ी सारे प्लांट्स यू नो मर रहे आई डोंट नो व्हाई। तो इसलिए मैंने नया लिया है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है राइट। घर का अभी अचानक से टेप भी ख़राब हो गया वो भी लिविंग रूम का। तो अचानक से अभी प्लम्बर जैसे जैसे बुलाया और इसको ठीक करवाया क्योंकि पानी जा रहा था। और जिस दिन मतलब उन लोग काम होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक बन जाता है दिन। अभी बज रहे रात के 8 या 8:30 बजे, हाँ 8:30। और हस्बैंड को अचानक अभी खाने का मन कर रहा है चिकन पकोड़ा। वैसे बलटला का साइड मतलब ये वाला जो दुकान है मैं कभी नाम अपने को दिखा दूँगी। अब इधर वो काफ़ी अंधेरा है। इधर ना चिकन पकोड़ा बहुत ही अच्छा। एक बार हम लोग हस्बैंड लेके गए थे तो उन्होंने खाया तो काफ़ी टेस्टी था। तो वही ढूंढ के आए थे बट सोल्ड आउट ख़त्म हो गया है। आर बैड लक। तो यहाँ से अभी निकल रही हूँ एंड सॉरी गाइस काफ़ी अंधेरा है आई नो इन द वीडियो। तो हस्बैंड को आज बोले चिकन का कुछ ना कुछ खाना ही है। तो अभी एक और दुकान में जा रही हूँ देखती हूँ वहाँ पे मिल गया तो मिल गया नहीं तो कहीं और खाने जाएंगे। बट आज तो चिकन खाना ही है बोले। और फाइनली हम लोग पहुँच गए KFC। ऑब्वियस का बात है चिकन खाना हो तो KFC से यू नो अच्छा और नहीं है। मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की दोनों की ही फेवरेट है। तो यहाँ से अभी KFC पैकिंग लेंगे और घर में जाके खाएंगे। सो फाइनली अभी जाके इतू सा टाइम निकाल पा रही हूँ मैं ऐसे आमने सामने बैठ के बात करने के लिए। एंड यू गाइज नो आई लव चैटिंग विथ यू गाइज। मतलब आपके तरफ से रिस्पॉन्स इटू इटू सा आता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और कमेंट्स पढ़ के तो एक दो ही आता है वैसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज सो आज का दिन जैसे आप लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा हेक्टिक बन गया था मेरे लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। आज उम्मीद करती हूँ जो भी थोड़ा बहुत मैंने अपने दिन भर का पूरा जितना भी हो सके मैंने दिखाया आप लोगों को, अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी happy and stay positive. Until next time, take care and bye bye.